ये नीम के वृक्ष है और हम यहाँ पे चढ़े हुए हैं और देख सकते हैं आप पास में देख सकते हैं आवाज भी कैसी सुनाई दे रही है और यहाँ पे ताड़ी लोग कह रहे हैं चूरा। 6 दिन से पानी टपक हम देख रहे हैं, पानी टपक रहा है कुछ ऐसा हो सकता है कुछ राज छुपाया हो कुछ आवला। बताया जाता है इनका ही वृक्ष लगाया हुआ है और इनके ही दरवाजे पे मैं हूँ। और अभी आप बताइए कि कब का वृक्ष लगाए हुए हैं, कितना साल हो गया होगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं पटेरा में हूँ, कुशीनगर क्षेत्र के पटेरा गांव में हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीम के वृक्ष है और हम यहाँ पे चढ़े हुए हैं और देख सकते हैं आप पास में देख सकते हैं आवाज भी कैसी सुनाई दे रही है और यहाँ पे ताड़ी लोग कह रहे हैं चूरा है। पूरा इसको बता नहीं सकते हैं कि ये ताड़ी है कि क्या है। कुछ लोग बता रहे हैं कि पेड़ में बीमारी भी होती है इसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से आप जूम करके दिखाइए कि कितना तेजी से बह रहा है और ये क्या है। अब आप लोग वीडियो देखकर बता सकते हैं और इसमें लगभग एक बाल्टी ऐसे निकाल दिया गया है और अभी हमारे देखने के हिसाब से पूरे बाल्टी भर चुका है। ऐसा खबर कभी आया नहीं था। अब बहुत लोग अपने हिसाब से ये भी बता रहे हैं कि कभी ऐसे नीम के पेड़ में कभी ताड़ी ऐसे चूते हुए नहीं देखा गया था। आप लोग देख सकते हैं कि कितना रफ्तार से बह रहा है और आवाज भी कर रहा है, आवाज भी है और इसमें से रफ्तार भी ज्यादा है जिसको अंदाजना मुश्किल हो रहा है और इसमें है क्या ये भी अंदाजना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ से देख सकते हैं ना कटा है कहीं ना कुछ है, यहाँ पे थोड़ा सा ये लग रहा है कि थोड़ा सा दरार है और वहां से ताड़ी निकल रहा है, लेकिन अब इसके आगे क्या रहस्य है और क्या सच्चाई है मैं इसका पर्दाफाश नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने का ये काम कर रहा हूँ। पटेरा में आकर, कुशीनगर के पटेरा क्षेत्र में, पटेरा गांव में आकर मैंने ये दिखाने का कोशिश किया कि ये ताड़ी कैसे निकल रहा है और इसमें रहस्य क्या है। कुछ लोग यहाँ पे पूजा पाठ भी किए हुए हैं नीचे, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इस पेड़ पर चढ़कर आप लोग को रहस्य से पर्दा हटाने की काम किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रफ्तार है और बहुत तेजी से आवाज कर रहा है। ये ताड़ी है कि क्या है इसका अंदाजना मुश्किल हो रहा है। आइए मैं बुजुर्ग लोगों से भी बात करूंगा नीचे आकर कि लोग भी क्या कहते हैं, इसका क्या लोगों का मानना है। आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके ऊपर चढ़ा हुआ हूं और इस वीडियो को बनाने में मदद कर रहे हैं आशीष जी। तो इसके साथ हम लोग आ रहे हैं नीचे और फिर बात करते हैं कि क्या है रहस्य और कैसे ऐसा हो रहा है। तो मैं रहा सिर्फ आप लोगों को और बाकी जानकारी देता हूँ नीचे आके, आप लोग यहीं के हैं। तो ये कैसे दिखा है कि ताड़ी है निकल रहा है कि क्या निकल रहा है, क्या दिखाना चाहेंगे? कोई अनुभव इसका नहीं मिलता है कि ये क्या चीज है। आप कितने साल के हो चुके होंगे अभी? लमसम 60 से ज्यादा है। 60 साल के दरमियान कभी भी आप इस तरह के पेड़ से ऐसा चूते हुए देखे? नहीं देखे। आप भी कभी ऐसा नहीं देखे? पेड़ में बीमारी होती है आप तो जानते होंगे, लेकिन इस तरह से निकलना कभी नहीं देखे? सूख जाता है इस तरह से, हरे और सफेद तरकोर के कुछ नहीं निकलता, कभी नहीं देखे। बताया जाता है इनका ही वृक्ष लगाया हुआ है और इनके ही दरवाजे पे मैं हूँ। और अभी इनसे आप बताइए कि कब का वृक्ष लगाए हुए हैं, कितना साल हो गया होगा इस वृक्ष को? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल का दरमियान रहा और कभी ऐसा आपने देखा कि कभी वृक्ष से ऐसा निकलता हो, ऐसा कुछ हुआ हो? कभी नहीं, कभी नहीं। आप लोग देख सकते हैं इनका बताया जा रहा है कि इस वृक्ष में हमने कभी नहीं देखा ऐसा कि जो वृक्ष से कुछ ना कुछ निकल रहा हो। और भी गांव के लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, देखता हूं कि लोगों का क्या मानना है और लोग क्या सोचते हैं। चाची कब से देखा था नहीं कि मतलब इस तरह के पेड़ से ताड़ी चुआता है? कुछ लोग बताओ था ताड़ी है, रउआ क्या कहे, ताड़ी है? नहीं ताड़ी नहीं है, ताड़ी नहीं है, पानी है। तो पानी है तो इतना तेज से पानी और इतना गाज के टाइप के पानी कैसे निकल सकता है? पता नहीं, मैंने ये मैंने हमने से सोच से बाहर बा। ठीक, तो मैंने ये कौन दिन से देखा था नहीं रुआ? 5 दिन हो, 5 दिन हो गई और ताड़ी से रफ्तार तेज है और बता भी लोग रहे हैं कि ताड़ी 5-6 दिन से निकल रहा है। आइए मेरे चाचा यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं बात करूंगा। कितना उम्र हो गया होगा चाचा आपका? 70 साल। 70 साल, 70 साल में आपने कभी देखा, कभी मान लेते हैं नीम के पेड़ से नहीं और भी किसी पेड़ से इस तरह से पानी गिरना जो चाची बता रही है पानी है, तो इस तरह से पानी या ताड़ी या जो भी कुछ कह सकते हैं जो अन्य पेड़ों में, ताड़ के पेड़ से अलावा किसी अन्य पेड़ों में आपने इस तरह से पानी गिरते देखा है? नहीं देखा। आप इस पे क्या राय देंगे लोगों को कि क्या हो सकता है ये? 5 दिन से पानी चू रहा है। कभी देवी दैविक शक्ति भी हो सकती है इसमें? हो सकती है, दैविक शक्ति माना जा सकता है, माना जा सकता है। और कुछ लोग जो ताड़ी ताड़ी किए जा रहे हैं तो उनपे क्या कहेंगे आपकी? ताड़ी हो सकता है? नहीं, ताड़ी नहीं है, ताड़ी तो नहीं हो सकता, ताड़ी नहीं हो सकता।
उसमें आवाज भी कर रहा है, कुछ कहना चाह रहा है पेड़ अपने आप से और आप लोगों से, तो क्या आप लोग कुछ इस पे कुछ सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है यहाँ, और कुछ आपके गांव में ऐसा कुछ कहानी घटा हो जिससे कुछ अलग दिखाना चाह रहा हो ये पेड़? 5-6 दिन से पानी टपक टप हम देख रहे हैं, पानी टपक रहा है, टपक रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है कुछ राज छुपाया हो, कुछ अलग अनोखा दिखाना चाह रहा हो? नहीं, कोई राज तो छिपा नहीं है इसमें, कहां से कि पेड़ सूखा है, पेड़ हरा भरा है। ये 5 दिन हुआ सर, कभी यहाँ पे कोई पंडित तांत्रिक किसी को बुला के आप लोगों ने सोचवाया है, दिखवाया है? नहीं दिखवाया, नहीं दिखवाया कोई, कोई नहीं दिखवाया। देखिए चाचा ने बताया है कि अभी तांत्रिक कोई पंडित किसी ने नहीं आया है, लेकिन मैं वहाँ 2-4 लोग बैठे हुए हैं, मैं बात करूँ कि उन लोग का क्या विचार है, पंडित और तांत्रिक से बात करेंगे लोग और आएंगे लोग, उन्हें पूछेंगे लोग और सवाल करेंगे कि क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहले सवाल है आपसे हमारा कि आपने कभी किसी इस विषय पर 5 दिन हुआ किसी से राय रखे हैं कि हमारे यहाँ इस तरह से हो रहा है, कई पंडित तांत्रिक जो नहीं, 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 जानकार किसी का हो? नहीं नहीं, हम नहीं, किसी से राय नहीं रखे हैं। कि कुछ लोग बता सकते हैं दैविक शक्तियाँ भी हो सकती हैं? हाँ हो सकती है। तो इस पे तो बनता है कि कुछ पंडित तांत्रिक लोगों से दिखाया जाए? हाँ दिखाया जाएगा, बात किया जाएगा। ये इन्होंने वृक्ष को लगाया है, इन्होंने पानी सींचा है, इन्होंने ही पेड़ को बड़ा किया है, और इन्होंने ही पहले देखा कि पेड़ से ताड़ी निकल रहा है। मैं कह नहीं सकता है कि पानी पानी है या ताड़ी, लोगों का मानना है जो लोग माने, लेकिन इसमें दैविक शक्ति भी हो सकती है ना भी हो सकती है, रहस्य भी छिपा हो सकता है नहीं हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम एक बार बोले हैं। आप बोले हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे, मतलब ताड़ी जैसा तो दिख रहा है, कोई टेस्ट किया है ताड़ी नहीं, को? कोई नहीं टेस्ट किया, डर रहा है सबको इतना टेस्ट करने से, कहीं जहर हो तो मर जाएगा। हाँ। देख सकते हैं आप लोग कि हो सकता है जहर भी हो सकता है, लोगों का मानना है, लोग तो डर रहे ही रहते हैं। हमने पास गया दिखाया, उसमें से आवाज भी आ रही है, ताड़ी की आवाज इस तरह नहीं आता है जो ताड़ी सीता है। अच्छा आप ही बताइए, कुछ लोग बता रहे हैं, आप कुछ अच्छा बताते हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये दैविक शक्ति है, ये सावन का महीना चल रहा है और यहाँ जगता देवी आ चुकी हैं, इससे बहुत सारे फायदे भी हैं। एक आदमी को खुजली टाइप का हो गया था हाथ पे, लेकिन इस लगाने से वो सही हो गया, तो इसमें ये आयुर्वेदिक का भी काम आ सकता है, ये दैविक शक्ति है। हाँ तो मैंने वो कितने दिन लगाए हैं तो सही हो वो गया? 2 दिन लगाए सही हो गया, गंभीर से गंभीर बीमारी भी सही हो सकता है। बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी पड़ताल आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस ताड़ी को, जो ताड़ी नाम दिया गया है, इस ताड़ी को अगर आप खुजली पे लगाते हैं तो 1-2 दिन में खुजली सही हो जा रहा है। नीम का पेड़ है, कुछ भी निकल रहा है तो जरूर ही वैदिक काम कर सकता है, और उस ये ताड़ी लोगों को खास खुजली में ही बहुत लाभदायक हो रहा है। कितने लोग टेस्ट किए हैं अभी? यहाँ 2-4 लोग ठीक हो चुके हैं, वर्तमान लोग ठीक हो चुके हैं। तो क्यों नहीं आप लोग किसी तांत्रिक पंडित से पूछते हैं कि क्या कुछ है? एक तांत्रिक को बुलाया गया था तो बोले इसमें दैविक शक्ति है, यहाँ दुर्गा जी प्रकट हो चुकी हैं। अच्छा देख सकते हैं आप लोग जो भी कह रहे हैं, अब कुछ भी हो सकता है, और आइए आगे जानकारी भी मिलती रहेगी। वीडियो में आप लोगों ने देखा, आप क्या कहना चाहेंगे इस दैविक शक्ति, आप लोगों का मानना है दैविक शक्ति भी है तो हो सकती है दैविक शक्ति? हाँ हो सकता है, हमें तो देखे नहीं है जिंदगी में कभी, पहली बार देखा। अच्छा तो आप लोग देख सकते हैं, सभी लोग कह रहे हैं जिंदगी में पहली बार ऐसा रहस्य दिखा है, हम भी पहली बार ही देख रहे हैं, और बाकी यहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं आप दिखा सकते हैं, बाकी जो भी लोग खड़े हैं सभी लोग जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, ऐसा रहस्य पहली बार दिखा रहा हूँ, और आप लोग भी पहली बार ही देख रहे होंगे, एकदम पास से भी दिखाया गया, एकदम खतरनाक सा ये रहस्यमय घटना है जो पटेरा गांव में है, कुशीनगर क्षेत्र के पटेरा गांव में, पटरौना से पास ही पड़ता है, 2-4-5 किलोमीटर के अंतराल पड़ता है, पटेरा खुर्द गांव है ये, पटरौना के पास कुशीनगर क्षेत्र में आता है ये, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रहस्य से भरा एक ताड़ी मिला है। ताड़ी का पेड़ तो नहीं है, ये नीम का पेड़ है ये, लेकिन ताड़ी नाम लोग दे दिए हैं, कुछ लोग दैविक शक्ति बता रहे हैं तो कुछ लोग पानी बता रहे हैं तो कुछ लोग ताड़ी बता रहे हैं, बाकी आप लोग क्या बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।